80,000 का तेरा घर जाएंगे इसमें। सॉरी 80,000 का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1.5 लाख रुपए का है। जैसे बॉडी बिल्डर लोग का पीक वीक रहता है, पीक मंथ रहता है, तो वो टाइम पे उन लोग का डाइट। अब भाई अपना ब्रेड का हलवा गर्म हो चुका है, एक नंबर लगता है खाने में। और भाई ये ठंडे पानी से नहा रहा है वन। मैं आया जब से मैंने एकदम लुल्ला ब्रेक है इसका। होला चिकोस, कोमो एस्ता। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप सभी मस्त होंगे। और गाइज आज बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है मेरे को कि भाई अपना मस्तान को मिलने जाना चाहिए, इसलिए मैं मस्तान को मिलने जा रहा हूँ। क्योंकि भाई बहुत टाइम हुआ, 2 महीने के आसपास तो हो गया है। और कभी कभी याद आती, बकरे के वीडियो आ जाते यूट्यूब स्वाइप में, तो फिर ऐसा लगता है भाई चलो अपना बकरा माशाल्लाह इतना अच्छा है उसको मिलने जाते हैं। और भाई आज सबसे मिलने आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इतना पीला हो गया, इतनी खूबसूरती के साथ पीला बकरा अच्छा नहीं लगता, और वो भी अपना हंसा है। तो कलर भाई कलर का पैसा है माशाल्लाह, उसमें खूबसूरती है। तो अपन जाएंगे उसको अच्छे से नहलाएंगे और थोड़ा उसके साथ खेलेंगे। बस आज इंजरी वगैरह देना नहीं चाहिए, जो लास्ट टाइम की भाई मेरे को 3 से 4 दिन तक बहुत दुख रही थी, मतलब हाथ पे भी लगा था और कंधे पे लग गया था मेरे उसके वजह से। तो अभी जाते निकलते और मैं मिलता हूँ आपको सीधा बाइक पर। अपने को जाना इधर है, ये दिख रहा है आपको सामने, मतलब अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा फॉगी है इसलिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो दिख रहा है मेरी उंगली के पास सीधा उधर, मतलब 26 किलोमीटर दूर दिखता है, और मतलब चिमनी दिखती थी वहाँ फैक्ट्री है। तो और अपने काम के इक्विपमेंट, अपना ट्राईपॉड, हेलमेट और ग्लासेस, क्योंकि हेलमेट के अंदर से भाई बहुत तो तकलीफ हो जाती है सूरज की वजह से। मस्तान को नहलाने के लिए ये क्लिनिक प्लस, इतने सारे बस हो गए। चल पीछे पीछे मत गाइस, एक बात तो अच्छी है कि भाई अपना पीछे दिख रहा है घर, घर से निकलो तो पीछे पेट्रोल पंप है। अगर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म भी होता है तो भाई प्रॉब्लम नहीं होती है, कि सीधा इधर आके अपन पेट्रोल भरा सकते हैं। तो भाई नंबर है, अभी पेट्रोल भराते फिर इधर से निकलते हैं। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया भाई, देखा भी नहीं हूँ कैसे है, वेट बढ़ा है, वेट लॉस हुआ है, कैसी तबीयत है, कि लास्ट टाइम बहुत ख़राब हो गई थी तबीयत, एकदम डिलीट होने के कगार पे था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई कुछ हुआ नहीं, और इंशाल्लाह 5 महीने बचे हैं कुर्बानी को, और ऐसे ही रहे बस, और हेल्दी हो और एग्रेसिव भी हो, एग्रेसिव है तब तक मज़ा नहीं आती है। तो अभी चलते अपन जल्दी से और अपना मस्तान से मिलते हैं। और सबसे बड़ा टेंशन तो मुझे ये है कि भाई ये बाइक के ब्रेक नहीं लगते, और 5 महीना हुआ लगभग, 5 महीना हुआ मैंने लाइनर चेंज कराया और तब से ब्रेक ही नहीं लगाया। मतलब सोचो अभी तक टायर की और ब्रेक पैड की कंडीशन क्या होंगी। लेकिन आज मैंने सोचा हूँ कि आज मैं कराऊंगा ही कुछ भी हालत में, क्योंकि भाई ये रिस्की है, अभी तक कुछ नहीं हुआ लेकिन कल गिर गया तो भाई फिर मेरे को चाहिए नहीं परेशानी। तो अभी पहुँचता हूँ जल्दी से और शाम में भाई ब्रेक पैड चेक कराता हूँ मैं। तो गाइज़ अभी अपन पहुंच चुके हैं बकरे के पास, अभी जाते बकरे को मिलने के लिए। और आज चलते चलते भी मोटो ब्लॉग हो रहा है हेलमेट से, ये देखो जाते अभी अंदर अपना बकरे के पास। ऐसा लग रहा है शेर बंद करके, नहीं 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 खुल गया आसानी से। अभी वहाँ उनसे पूछते हैं, और वहाँ कहीं तो भी बकरे को बांधते हैं और उसके बाद फिर बकरे को नहलाते हैं। कहाँ गया मस्तान, मस्तान? अरे हाँ, नए नए बकरे आ गए इसलिए। ये देखो ये भी माशाल्लाह एक नंबर कोटा आया नया, और बाकी के ये सब तो सो जाती है। हाँ अपना मस्तान इधर है, मस्तान। अरे मस्तान थोड़ा सा नंगा हो गया, ये देखो मस्तान नंगा हो गया थोड़ा सा। ए बेटा क्या रे, ये देखो इस बार शांत है, एकदम अच्छा रिएक्शन दे रहा है। मतलब हेलमेट भी पहना हूँ फिर भी इतना अच्छा रिएक्शन दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। अंदर जाऊँगा जब उसके आंग में आएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये देखो आ गया इसके आंग में, और सबसे पहली बात तो इसमें रस्सी नहीं है, और इसके अभी पेट के बाल काटे इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन भाई मस्त माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। अभी इसको नहलाने का टाइम है, लेकिन लफड़ा ऐसा है कि भाई रस्सी नहीं है तो मैं इसको बाहर भी कैसे निकालूं, सबसे बड़ा अभी क्वेश्चन ये आया है। अभी इनको कॉल करना पड़ेगा मेरे को, और वैसे साफ तो दिख रहा है मेरे को,
तो शायद से नहलाना कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि पीछे के बाल वगैरह भी एकदम मस्त लग रहे हैं इसके। और सामने से देखो वो मतलब सुसु करता है तो गंदा होने ही वाला है। ए बेटा इससे नज़दीक मत आ, मेरा मोबाइल ख़राब हो जाएगा। ये देखो इसको खाने का टाइम हो गया है। ये डबल, ये डबल इनिंग चल रही है। और देखो ये आ रहा है खाने के लिए तो चिढ़ रहा है इसके ऊपर। अभी यार एक बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ बोले तो अभी इसको निरा नहीं सकते क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि ठंडी है और दिन की ठंडी भी लगती है इन लोग को, तो फिर मसला हो जाएगा। तो गाइज अभी बकरीद को 5 महीना बचा है और अभी से भाई इतना एग्रेसिव है और एग्रेसिव होने वाला है। और इसका मेन जो अभी देखो जैसा बॉडी बिल्डर लोग का पीक वीक रहता है, पीक मंथ रहता है, तो वो टाइम पे उन लोग का डाइट वगैरह स्टेरॉइड्स वगैरह एकदम हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं, वैसा इसको भी अपन एकदम डाइट पे लेके जाएंगे और इसको एकदम बॉडी बिल्डर जैसा बनाएंगे बकरीद के टाइम पे। तो 28 को शायद से जून 28 को बकरीद है। तो गाइस अभी अपन जा रहे हैं इसको पकड़ने के लिए और ये तो अच्छा बाबा है इधर आज, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होंगी। एक बार कान पकड़ लिए तो फिर क्या सताता नहीं है। ये देखो दूर से नहीं समझता यार, अभी मेरे सामने खड़े रहेगा ना। और देखो माशाल्लाह ये देखो उसके पेट के बाल काटे हैं ना, तो थोड़ी सी साइज अलग दिख रही होंगी, लेकिन भाई खूबसूरती माशाल्लाह, खूबसूरती उसके जीव में, ठंडी हवा निकलते पसीने, वो असलियत या ड्रीम है या मेरा सिर्फ नसीब है। दे भाई, दे भाई। से चिल्ला रही थी इसको बाहर लेके आ रहे हो तो टाटा बाय बाय कर रहे थे। और इसकी रस्सी निकल गई ना तो मेरे को भी पकड़ने में इसको डर लग रहा है, लेकिन क्या ग्रिप अच्छी रहेंगे तो फिर करेगा नहीं। और ये अपना कैमरामैन भाग रहा है इधर उधर, तो तकलीफ हो रही है। पूरा ऐसा थूक फूक उड़ा रहे हैं। नमस्कार, देखो उसकी फेवरेट वाली घास खा रहा है अंदर, उसको इतना महंगा खाना मिलता है क्या बोलूँ, इतना सब पूरा टोटल भाई इन लोगों के पास ना जो बकरे का खाने के लिए ना एक से एक चीज़ें हैं। बाकी हरी पत्ती तो भाई सीधा राजस्थान से आती है, लेकिन बाकी सब इनका खुद का है, मतलब जो भी बकरे लोग खाते हैं। पेंड आती है शेंगदाने की, फिर हरी पत्ती हो गई और बहुत सारी चीज़ें आती है तो खाते हैं। फिर भी वही तो बाहर आने के बाद जो देसी चाले हैं वही बाहर का ही खाते हैं। तो भाई इसको संभालना बोले ना तो कैसा बोलूँ तुम्हारे को, 1000 कैलोरीज बर्न करने जैसा है। 80,000 का है, 80,000 का तेरा घर जाएगा इसमें, सॉरी 80,000 का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1.5 लाख रुपए का है। और लेकिन इसकी कीमत वगैरह की बात नहीं है, ये कुर्बानी वाली चीज़ है, अपनी नियत है कुर्बानी की, इंशाल्लाह 5 महीने बाद इसकी कुर्बानी करेंगे। और अभी आपको दिख रहा है इतना गंदा क्योंकि ठंडी है, तो ठंडी में नहला नहीं सकते तो बीमार पड़ जाते, तो अभी इसको नहलाएंगे बाद में अच्छे से तो और खूबसूरत गुलाबी चमकेगा। अभी इसके दोस्त लोग बाहर बुला रहे हैं इसको, मतलब अंदर इसको लेके चलते क्योंकि 2 बार मेरे हाथ पे बहुत बुरा मार चुका है। ये देखो लाल लाल कर दिया पूरा हाथ, चलो इसको अंदर लेके चलते। इसके दोस्त लोग इसका स्वागत ऐसे कर रहे हैं, ये कोटा है और ये हैदराबादी है, ये भी वाइट आइस में पूरा, इसको लेके चलते हैं, लेके चलते हैं, चल। इस मस्तान के पास आके अलग ही पॉजिटिविटी आती है और 2 घंटे से इसके साथ मैं खेल रहा हूँ और अभी भाई थकान हो गई है और आदमी से स्मेल भी आ रही है बकरे की। तो अभी मैं जाता हूँ घर पे, नहाता हूँ और आज शाम में अपने घर पे मेहमान भी आने वाले हैं और उनके लिए बन रही है पाव भाजी। और पाव भाजी भाई वो एक नंबर लगती है, मेरे को एकदम फेवरेट है अपनी पाव भाजी। और उसमें से ये वाला जो बकरा है ये एकदम इतना मासूम है कि इसके पास जाओ तो सामने से सिंग दे देता है, बोलता है मेरे साथ खेलो मारो मेरे को। ये देखो सिंग, देखो सामने में सिंग, ये देखो सिंग देता है सामने से, बोलता पीछे, ये देखो जा कूद जल्दी कूद, हाँ अभी कूदेगा कूद कूद कूद। गाइज ये देखो तब से मैं निशान लगा के इसको खिला रहा हूँ, देखो गई अभी उसको मिला है देखो बिस्किट, अभी मैं और एक फेंक रहा हूँ उधर,
देखो किधर गया, देखो ये दिख रहा है इधर की इधर। तो गाइस जैसे मैं वीडियो में बता रहा था कि ये गाड़ी को ब्रेक नहीं है, ब्रेक एकदम जीरो इसका। ये देखो ये क्लच जैसा, नहीं क्लच से भी ढीला वाला, एकदम लुल्ला ब्रेक है इसका। तो अभी कल मेरे को जाना है तो सोच रहा हूँ कि इसको अगर बना लिया तो ये लेके जाऊँगा, नहीं तो फिर अपनी थंडरबर्ड खड़ी है ये भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि इसका भी हेडलाइट का काम था। अपाचे तो लेके जा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसकी बैटरी और पीछे से भाई किसी ने ठोका, लास्ट वीडियो में बताया तो वो टूट चुका है, तो लेके नहीं आ सकता हूँ। तो अभी इसका काम कर रहा है शहबाज काम कर रहा है। इतने टाइम से मैं इग्नोर कर रहा था, मैं बोला जान दो बाद में बनाएंगे, लेकिन शहबाज ने खुद से ही वायर लेके आया और भाई बना के दे रहा है अभी, तो काम हो जाएगा एक टाइम का। और भाई ब्रेक पीछे एक नहीं तो भी चार महीने से मैं एक ब्रेक पे, आगे के ब्रेक पे डिस्क पे गाड़ी चला रहा था और रिस्की था, इसलिए अभी ये बन जाएगा। और थैंक यू शहबाज, हाँ शहबाज का नंबर डाल दूँ क्या नीचे, बहुत भारी काम करता है। डाल दो क्या, अपने कस्टमर बढ़ेंगे, हाँ कस्टमर बढ़ेंगे, शहबाज के एक नंबर काम करता शहबाज। तो अभी करते फटक से गाड़ी का काम, वायर मिल नहीं रही थी भाई, वायर मिल गई और मैं, मेरे को लगता वायर थी, मैं बहाने बना रहा था। ये गाड़ी का इधर का भी थोड़ा काम था, इधर का ब्रैकेट टूट गया था, ये दिख रहा है आपको। तो गाइज आने वाले थे मेहमान और मेहमान लोग आ गए हैं, ये देखो मेहमान लोग छुप रहे, नहीं दिखा सकता हूँ मैं कैमरे के अंदर। और भाई लेकिन मैंने बोला था वो सब चीजें अपनी आ चुकी है, दूधिये का हलवा मतलब जो बनता है दूधिये का हलवा वो आ चुका है, मतलब इसमें से निकाल के मैंने कहा रखा, फ्रिज में रख दिया शायद से, किधर है उधर है क्या, अरे बाप रे गरम हो रहा है ये देखो, दूधिये का हलवा गरम हो रहा है, एक नंबर लगता है। जे जे पे मिलता है ये मुंबई में, एक नंबर, मेरे को इतना पसंद है ये, मैंने मंगाया था, मैं बोला भूल गए, लेकिन भाई लेके आ रही है। पाव इसलिए दिख रहे क्योंकि पाव भाजी बन रही है घर में, ये देखो एक नंबर मस्त वाली पाव भाजी बन रही है घर में, ये दिख रहा है आपको, छोटा है लेकिन बड़ा है ये, मतलब 6-7 लोग खाने वाले। और भाई ये पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, और जो मसाला पाव था पाव भाजी के साथ वैसा पूरा बन रहा है। अब भाई अपना ब्रेड का हलवा गर्म हो चुका है, एक नंबर लगता है खाने में। एक नंबर ना मस्त है इसका, कौन सा बोला मैंने, गलती से बोला दूधी का हलवा ही है। और भाई पाव भाजी बन रही है, मैंने शाम से कुछ खाया नहीं 5 बजे से, मतलब रात में पेट भर के पाव भाजी खाएंगे। और जिम चल रही है, ये देखो आर्म्स वापिस आ रहे अपने, ये देखो, लेकिन नहीं डाइट वाइट का क्या चलते रहता, थोड़ा ऊपर नीचे ये सब चीज़ें भाई खाएंगे नहीं तब तक कहाँ से मज़ा आएंगे। और ये देखो दस्तरखान वगैरह सब बिछ रहे, अभी एकदम मस्त खाते हम लोग और फिर थोड़ा वॉक करेंगे नीचे, फिर कुत्ते को खाना खिलाना है भाई, 2 दिन से मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। और भाई ये ठंडे पानी से नारा है वन मैं आया जब से मैंने 4-4 बार गर्म, सुबह में गर्म पानी से नहाता हूँ मैं, और ये अभी रात के टाइम पे ठंडे पानी से नहाया है वन। गाइस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।